करनाल में स्वास्थ्य विभाग आने वाली 10 फरवरी को स्कूली बच्चों के लिए मनाएगा वर्मी डे। 10 फरवरी को स्कूलों में जाकर प्रदेश भर में लाखों बच्चों को पिलाई जाएगी कीड़ों को मारने की दवाई। सीएमओ करनाल ने ली डॉक्टरों की मीटिंग, दिए निर्देश, बनाई टीमें। हरियाणा भर में सरकार 10 फरवरी को वर्मी डे पर लाखों बच्चों को कीड़े मारने की दवाई पिलाने का अभियान चलाएगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत आज करनाल के सीएमओ अश्विनी आहूजा ने जिले के सभी पीएचसी व सीएचसी डॉक्टरों की मीटिंग ली और वर्मी डे पर बच्चों को कीड़े मारने की दवाई अल्बेंडाजोल पिलाने के दिशा निर्देश दिए। सीएमओ अश्विनी आहूजा ने बताया कि 19 साल तक के बच्चों को यह दवाई पिलाई जाएगी, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सभी बच्चे दवाई खाने से पहले कुछ खाकर आएं, खाली पेट ना आएं। वर्मी डे पे क्या तैयारियां की जा रही है, आज किस लिए कार्यशाला मीटिंग? सरकार द्वारा नेशनल डीवर्मिंग डे मनाया जाता है साल में दो बार। इस प्रोग्राम के तहत फरवरी में और अगस्त में ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसके अंदर एक साल से 19 साल तक के बच्चों को डीवर्मिंग अल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई जाती है। ये जो भी बच्चा एक साल का हो गया, चाहे वो घर पे है, चाहे वो आंगनवाड़ी में है, चाहे क्रच में है, सभी जगह से बच्चों को मोबिलाइज करके पोलियो बूथ की तरह ये डीवर्मिंग डे बूथ बनाए जाते हैं, जो कि मोस्टली आंगनवाड़ी में, स्कूल्स में ही बनते हैं। उसके तहत हमने सारे बच्चों को मोबिलाइज करके अपने हेल्थ पर्सनल और पैरामेडिकल स्टाफ और आशा वर्कर के थ्रू मोबिलाइज करके उनको मैक्सिमम स्ट्रेंथ में स्कूल में टीचर्स से क्लास वाइज लाइनें बनवा के उनको एल्बेंडाजोल टैबलेट चू करने के लिए दी जाती है और साल में दो बार ये प्रोग्राम किया जाता है। एल्बेंडाजोल टैबलेट खाने से बच्चों का स्वास्थ्य है, चक्कर आना आता, उसके लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट के एज इट इज कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये टैबलेट आप स्वयं भी खाएं च्यू करके। मैंने एक दिन में 3 टैबलेट एल्बेंडाजोल की खा के बच्चों को काउंसलिंग की कि इसको खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसके लिए बच्चों को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिस दिन ये टैबलेट खिलाई जाती है उस दिन वो खाली पेट ना आए, कुछ खा के आए तो इसका कोई साइड इफेक्ट। कितनी टीमें बनाई जाएंगी जो अपने जिले के लिए? पूरे जिले के लिए पीएचसी सीएचसी की माइक्रो प्लानिंग पूरी आने वाली है, अभी पूरी बन के आ जाएगी, जिसके तहत हम इनको टारगेट और इसके बीच में जो गैप है उसकी ट्रेनिंग आज दे रहे हैं, तो 2 दिनों में अगले पूरे आ जाएगी। इसका हमारा अप्रोक्सीमेट टारगेट होगा 4,94,000 बच्चों को टैबलेट दी जानी है करनाल जिला में, जो एक साल से 19 साल तक के बच्चे।